गुड मॉर्निंग बीएड सेकंड ईयर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएड सेकंड ईयर के ऑनलाइन क्लास स्वयं की अवधारणा के अंतर्गत हमारा प्रकरण है व्यक्तित्व के विभिन्न आयाम का मूल्य पर प्रभाव। इस प्रकरण पर आज हमारा दूसरा वीडियो है। इसके अंतर्गत हमने कल आत्मविश्वास स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मविश्वास का मूल्य पर प्रभाव के संबंध में पढ़ा था, आज हम इसके आगे अध्ययन करेंगे। तो अब ये नेक्स्ट मूल्य है वो कौन सा है? व्यापक दृष्टिकोण का मूल्य पर प्रभाव। नेक्स्ट कौन सा है? व्यापक दृष्टिकोण का मूल्य पर प्रभाव। व्यापक दृष्टिकोण समाज में विविध प्रकार के व्यापक दृष्टिकोण के कारण इस समाज एक मंच पर एकत्रित होता है और वह समाज है वह एक संगठित समाज के रूप में रह सकता है संगठित रूप में रह सकता है। दूसरे शब्दों में जब एक शिक्षक के व्यक्तिगत व्यक्तित्व में व्यापक जब एक शिक्षक के व्यक्तित्व में व्यापक दृष्टिकोण होगा तो वह समाज को भी एक सामाजिकरण की भावना के अंतर्गत एक व्यापक दृष्टिकोण के तहत सुसंयोजित एक संगठित रूप से रख पाएगा। तथा शिक्षक के विकास के अंतर्गत व्यापक दृष्टिकोण का होना अत्यंत आवश्यक है, तभी वह व्यक्तित्व अपने छात्रों के अंतर्गत व्यक्तित्व के अंतर्गत मूल्य सामाजिक मूल्य का प्रभाव को वो रख पाएगा जिससे छात्रों के अंदर सामाजिक भावना है वो विकसित हो पाएगा। नेक्स्ट है सद्भावना का मूल्य पर प्रभाव। नेक्स्ट क्या है? सद्भावना का मूल्य पर प्रभाव। सद्भावना का मतलब होता है अच्छी सोच का विकास करना। अच्छी सोच का विकास करना इसके अंतर्गत एक शिक्षक के व्यक्तित्व में सद्भावना का समावेश होना अत्यंत आवश्यक है। यदि शिक्षक की सद्भावना अच्छी नहीं होगी तो वह एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर पाएगा। ऐसे शिक्षक के जो सद्भावना है वो अच्छी होनी चाहिए, वही वह छात्रों के प्रति सकारात्मक व्यवहार को बना पाएगा और छात्र भी शिक्षक के साथ में अपने सकारात्मक सोच को बनाए रखेगा। वह पशु और पक्षियों के प्रति भी वह मनुष्य के साथ तो अच्छा व्यवहार बना पाएगा, लेकिन वह पशु पक्षियों के प्रति भी सकारात्मक सोच को जीवन में अपनाएगा। इस प्रकार से उसके अंदर प्रेम है, करुणा है, सहयोग है आदि गुणों का विकास होगा, जिससे वह छात्रों के अंतर्गत भी इसी प्रकार के गुणों का विकास करेगा और इस प्रकार से सद्भावना के द्वारा विश्व कल्याण की भावना को भी प्रेरित किया जा सकेगा। तो व्यक्तित्व के विकास के अंतर्गत मूल्यों का भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षक के लिए एक सद्भावना ही होना अत्यंत आवश्यक है। फिर नेक्स्ट है सिद्धांत एवं व्यवहार में समन्वय का मूल्य पर प्रभाव। सिद्धांत एवं व्यवहार में समन्वय सिद्धांत एवं व्यवहार में समन्वय का मूल्य पर सिद्धांत सिद्धांत शिक्षक द्वारा सिद्धांत या व्यवहार का समन्वय के गुण को अपनाना शिक्षक के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती होती है, क्योंकि मूल्यों का निर्माण इन दोनों के सहयोग से होता है। सिद्धांत और व्यवहार के द्वारा ही मूल्य का विकास होता है और उनका निर्माण होता है। जब हम सूर्य चंद्रमा की घटना को पृथ्वी पर ढूंढने के सिद्धांत के आधार पर मूल्य घटना सिद्ध करते हैं माना जाता है कि समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सुदृढ़ है। अतः इस प्रकार से समाज है वो काफ़ी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सुदृढ़ है। इस प्रकार से व्यापार और सिद्धांत के संबंध में होने से जब मूल्य द्वारा व्यक्तित्व का विकास होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। फिर नेक्स्ट है
साथी का मूल्य पर प्रभाव है। साथी का मूल्य पर प्रभाव, साथी का मूल्य पर प्रभाव, साथी, साथी का मतलब होता है सादा जीवन व्यतीत करना। व्यक्तित्व के विकास में साथी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जब एक शिक्षक में साथी का समावेश होता है तो उसमें वास्तविक मूल्यों का विकास होता है, और वास्तविक मूल्यों का विकास होने के कारण वह अपने छात्र के प्रति सात्विकता और सामान्य व्यवहार को प्रदर्शित करता है। उसके इस व्यवहार के कारण छात्र उससे काफ़ी प्रेरित होते हैं और वे भी सात्विक का जीवन जीना पसंद करते हैं। इस प्रकार से एक समाज के अंदर सात्विक गुणों का विकास होता है, जो सात्विक के जीवन से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, सात्विक के जीवन से प्रेरित होते हैं। फिर संवेगात्मक स्थिरता का मूल्य पर प्रभाव, का मूल्य पर प्रभाव, संवेगात्मक स्थिरता का मतलब भी मूल्य के ऊपर विभिन्न प्रकार से प्रभाव पड़ता है। यदि शिक्षक के व्यक्तिगत संवेग अस्थिरता होती है, व्यक्तिगत संवेगों में अस्थिरता होती है, असंतुलित संवेगों के द्वारा शिक्षक का मानसिक संतुलन सही नहीं रहेगा, जिससे वह अपने छात्रों को किसी प्रकार की उचित शिक्षाएं वह नहीं दे पाए। अतः संवेगों का स्थिर रहना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, खासकर शिक्षक के लिए संवेगों का स्थिर रहना अत्यंत आवश्यक है, तभी वह अपने छात्रों के अंदर अच्छे गुणों को विकसित कर पाएगा। और इस प्रकार से आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।